जेजेपी छोड़ने वाले पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अगला सियासी फैसला नहीं लेकर बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। सतपाल सांगवान का फैसला दादरी जिले की पॉलिटिक्स पर गहरा असर डालने का काम करेगा। सतपाल सांगवान ने फैसला अपनी जनता पर, अपने समर्थकों पर छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि सतपाल सांगवान अब क्या करेंगे। सतपाल सांगवान के अगले फैसले को लेकर सभी पार्टियों में सस्पेंस मचा हुआ है और ये सभी जानने के इच्छुक हैं कि सतपाल सांगवान अगली बार किस पार्टी का दामन थामने का काम करेंगे। कहीं न कहीं सतपाल सांगवान ने भी 2024 की पॉलिटिक्स के हालात को देखते हुए फिलहाल फाइनल फैसला लेने से कदम पीछे हटा लिए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर सतपाल सांगवान सिर्फ जीत की पारी खेलना चाहते हैं और विधानसभा में पूछना चाहते हैं और इसलिए वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर सतपाल सांगवान कहीं न कहीं 3 दिसंबर को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी देखना चाहते हैं। वो हालात का जायजा लेने के बाद ही अगला फैसला लेने के काम करेंगे। ये हो सकता है कि 3 दिसंबर को अगर 5 राज्यों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा तो वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया तो वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सतपाल सांगवान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके फैसले का इंतजार कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। दोनों ही पार्टियों के पास फिलहाल सतपाल सांगवान से बेटर कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर हालात पिछले लगातार 3 चुनावों से अच्छे नहीं रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस यहाँ से एक विजयी प्रत्याशी ढूंढ रही है और उस सिस्टम के अंदर, उस श्रृंखला के अंदर कहीं ना कहीं सतपाल सांगवान उनके लिए एक विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। सतपाल सांगवान के रिलेशन पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा के साथ बेहतरीन रहे हैं। 2009 की सरकार में वो भूपेंद्र हुड्डा के मंत्री भी रहे हैं और 2024 के चुनाव में इसलिए उनके कांग्रेस में जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के पास अभी न तो वहाँ पर कोई भूपेंद्र हुड्डा के पास सतपाल सांगवान से कोई बेहतर प्रत्याशी है, ना ही भूपेंद्र हुड्डा के पास उनके अलावा कोई दूसरी बड़ी चॉइस बची है। इसके अलावा किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के पास भी उनसे बेहतर प्रत्याशी नहीं है। यही वजह है कि सतपाल सांगवान राजस्थान के चुनाव में अगर कांग्रेस दाव मार गई तो उन कंडीशन में वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को लेकर भी सतपाल सांगवान के दरवाजे खुले हुए हैं। 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली बबीता फोगाट को लेकर बीजेपी हाईकमान भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन नहीं है कि 2024 में भी बबीता फोगाट चुनाव जीत जाएंगी। 2019 के पिछहत्तर पार के नारे के बीच में भी बबीता फोगाट नंबर 3 पर रह गई थी, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद बीजेपी हाईकमान को नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने भी संदेशा भेजा है कि सतपाल सांगवान थोड़ा सा इंतजार करें और उनकी पार्टी के बेहतर भविष्य को देखते हुए बीजेपी ज्वाइन करें। लेकिन सतपाल सांगवान ने अभी तक सीएम खट्टर को हरी झंडी दिखाने का काम नहीं किया है। जहां तक जेजेपी की बात है तो जेजेपी सतपाल सांगवान के जाने के बाद वहां पर खाली हो गई है। कहने का तो जेजेपी के पास वहां पर एक और पूर्व विधायक राजदीप फोगाट भी हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि राजदीप फोगाट की सियासत हाशिए पर जा चुकी है और वो इस समय एक वार्ड में कोई पार्षद जितवाने के लिए भी सक्षम नहीं है। इसलिए जेजेपी फिलहाल दादरी में सतपाल सांगवान के जाने के बाद कंगाल हो गई है। इनेलो के पास भी वहाँ कोई मजबूत चेहरा फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए इनेलो भी सतपाल सांगवान को लेने से इनकार नहीं करेगी, लेकिन सतपाल सांगवान इनेलो की तरफ मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जहां तक वर्तमान विधायक की बात है तो वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल आशय पर चल रहे हैं, जनता की नाराजगी का शिकार चल रहे हैं। सोमवीर सांगवान को 2019 के चुनाव में संभावनाओं के साथ साथ लोगों के मानसिकता का, लोगों के जुड़ाव का वोट भी मिला था, लेकिन अब विधायक बनने के बाद 5 साल में उनके साथ वो सद्भावना और वो अपनापन का दौर जनता का खत्म हो चुका है। इसलिए उनका गणित भी ना बीजेपी में सेट बैठ रहा है और ना कांग्रेस में सेट बैठ रहा है। वैसे भी किसान आंदोलन के दौरान सोमवीर सांगवान ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया था, इसलिए बीजेपी उसे भी अपने साथ नहीं लेगी। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही सतपाल सांगवान के दरवाजे खुले हुए हैं। सतपाल सांगवान भी अपनी अगली और अंतिम पारी एक जीत के साथ खेलना चाहते हैं। वो अगली सरकार का साझीदार बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो 2024 के चुनाव को लेकर कोई फाइनल फैसला करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। दादरी में हुए वर्कर सम्मेलन में जहां उन्होंने जेजेपी के सिस्टम की पोल खोलने का काम किया,
वहीं दुष्यंत चौटाला के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़ा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए बहुत सारे काम करना चाहते थे, लेकिन उनका सहयोग जेजेपी के नेताओं नहीं किया, जिसके चलते वो जेजेपी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब 2024 के चुनाव को लेकर सतपाल सांगवान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको ये भी बता दें कि कहीं न कहीं सतपाल सांगवान के मन में ये बात घर कर गई है कि वो अब की बार डावाडोल वाला फैसला नहीं करेंगे, वो सत्ता में हिस्सेदारी का फैसला लेंगे। वैसे भी सीनियरिटी के हिसाब से अगर वो कांग्रेस में गए और वहाँ पर सरकार बनती है तो भी वो 2009 की तरह मंत्री बन सकते हैं, और 2024 में बीजेपी की सरकार बनने पर भी वो बीजेपी में अगर रहे तो वो जीतकर वहाँ भी मंत्री बनने की कतार में शामिल होंगे। यानी दोनों ही पार्टियों को लेकर सतपाल सांगवान के दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, और इसलिए वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बेशक अभी चुनाव को लेकर एक साल का समय बचा हुआ है, और इसलिए सतपाल सांगवान ने भी कह दिया है कि उनका अगला सियासी फैसला उनकी इलाके की जनता तय करने का काम करेंगी, उनके समर्थक तय करने का काम करेंगे। सतपाल सांगवान का अपना 20,000 का वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहाँ पर जीत की बड़ी सॉलिड पोजीशन क्रिएट करता है, और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सतपाल सांगवान को लेना चाहते हैं। सतपाल सांगवान भी तेल देखो तेल की धार देखो के मुहारे के अनुसार ही फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो 2024 के चुनाव को लेकर जिस पार्टी का पलड़ा भारी होगा वही ज्वाइन करने को प्राथमिकता देंगे। सतपाल सांगवान लगातार तीनों चुनाव में अलग अलग पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। 2009 में वो हजगा के टिकट पर विधायक बने, 2014 में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, और 2019 में वो जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। अब 2024 का चुनाव उनका अंतिम सियासी चुनाव हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी परिजन को भी 2024 के चुनाव में सियासी तौर पर अपना उत्तराधिकारी घोषित करके आगे कर सकते हैं। लेकिन फाइनल फैसला क्या होगा ये सिर्फ सतपाल सांगवान ही जानते हैं, और इसलिए उनके बारे में कोई भी पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि वो जितना बोलने में बेबाक हैं उतने ही बोल्ड फैसले लेने से भी नहीं सकते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में कोई भी अनुमान या आकलन नहीं लगाया जा सकता है। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही सतपाल सांगवान ने जेजेपी छोड़ने का फैसला लिया है, और 2024 की सत्ता के हिसाब से ही वो अगली पार्टी का फैसला लेने का काम करेंगे। सतपाल सांगवान सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और दोनों ही पार्टी में उनके लिए स्पेस होने के चलते वो बेफिक्र होकर बिना किसी चिंता और परेशानी के अपना फैसला उन्होंने अपने समर्थकों पर छोड़ दिया है। 2024 में सतपाल सांगवान के फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में सतपाल सांगवान कौन सी पार्टी के साथ ज्यादा महफूज रहेंगे, कौन सी पार्टी उन्हें लेने में सफल रहेगी, ये आकलन जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।